इन अ सर्टेन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। और ये कैरेक्टर्स कैसे होंगे? फंडामेंटल होंगे। तो बेसिकली अगर दो शब्दों में बात की जाए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम साइंटिफिक मैनर के अंदर ऑर्डर करेंगे, अरेंज करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को। सो साइंटिफिक वे टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये बात हो गई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट आए, जिनमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिस्टोटल जो हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से फेमस है। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है आपके एरिस्टोटल। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले एक अटेम्प्ट दिया कि साइंटिफिक बेसिस किया कि क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को। तो उन्होंने क्या यूज किया, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स। उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चुना। तो उन्होंने जब ये कैरेक्टर्स चूज किए तो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप। उन्होंने एनिमल्स को भी दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, जिनके अंदर एक के पास तो रेड ब्लड थे, रेड ब्लड सेल्स थे, और दूसरों के पास रेड ब्लड सेल्स नहीं थे। तो ये इन्होंने कर दिया। उसके बाद आपके पास आते हैं एक फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है लीनियस। इन्होंने क्या किया था, लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सारे के सारे जितने भी डाइवर्स एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, उनको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दे तो दिया, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन की काफी सारी ड्रॉबैक्स थी। ड्रॉबैक्स क्या थी, दे डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। यूकैरियोट्स मतलब जिनके पास टू ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस होता है या फिर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करना काफी ज्यादा आसान काम था, इजीली आप देख के बता सकते हैं कौन सा प्लांट है कौन सा एनिमल है। लेकिन बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरीज। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नेचर के अंदर प्रेजेंट थे, बहुत सारे डाइवर्स एनिमल्स ऐसे थे जिन जो ना ही प्लांट्स की कैटेगरी में फिट हो पाए ना ही एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर फिट हो पाए। इसी वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो आपका फ्लॉप हो गया, या फिर आप बोल सकते हो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया। इसी तरीके से आपके पास फिर थ्री किंगडम सिस्टम आया, फोर किंगडम सिस्टम आया, एंड लास्ट में आपके पास आ जाता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो अलग बात है कि फाइव किंगडम सिस्टम के बाद आपके पास सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी प्रेजेंट है, लेकिन मेजरली जो बात की जाती है दैट इज अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले तो देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया। क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है सिंपल कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट आर एच विटेकर इन द ईयर 1969। ईयर भी याद रखना, एनसीईआरटी बुक के अंदर ईयर क्लियरली मेंशन है तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कंपोज्ड ऑफ अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड। जो किंगडम्स
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर डिफाइंड थे, उनका नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये पांच किंगडम थे, आपको याद रखना है। नंबर वन मोनेरा, जिसके अंदर आपके पास जितने भी बैक्टीरिया थे वो सब इंक्लूडेड थे। उसके बाद आपके पास आए प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर आपके पास डाई एटम्स हो गए, डाइनोफ्लेजिलेट्स हो गए, ये सब ही इंक्लूडेड थे। फंजाए आए आपके पास, फिर फंजाए के अंदर आपके पास मशरूम्स हो गए, टोडस्टूल्स हो गए, ये सब आए। प्लांटी के अंदर आपके पास प्लांट्स थे, एंड एनिमल्स एनिमेलिया के अंदर आपके पास एनिमल्स आ गए। ओके, तो ये सिस्टम था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिवाइड करने के कुछ क्राइटेरिया थे, वो क्राइटेरिया कौन कौन से थे। नंबर वन था आपके पास सेल टाइप, या फिर आप बोल सकते हो सेल स्ट्रक्चर। तो नंबर वन क्राइटेरिया था सेल टाइप। सेकेंड क्राइटेरिया आपके पास था सेल वॉल। थर्ड था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फोर्थ था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिफ्थ वॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो अब देखो मोनेरा बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो सेल टाइप होता है प्रोकैरियोट। प्रो मतलब यहाँ पे आपके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। फिर प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक सभी के सभी यूकैरियोट्स हैं, सबके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर सेल वॉल की अगर बात की जाए तो मोनेरन्स के अंदर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दैट इज नॉन सेल्यूलोजिक, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर कुछ के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। फंजाए की अगर बात की जाए तो इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटीन। ओके, प्लांटी के अंदर सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, थर्ड अगर बात की जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो मोनेरन्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होती है, फंजाए में प्रेजेंट है, प्लांटी और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो मोनेरन्स जो है सेल्यूलर है, प्रोटिस्टा भी सेल्यूलर है, फंजाए की अगर बात की जाए तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, फिर प्लांटी टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल, और यहाँ पे एनिमेलिया के अंदर आपके पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो जाता है। फिफ्थ अगर बात की जाए आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो बैक्टीरिया या तो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, या फिर हीटरोट्रॉपिक हो सकते हैं जो कि फूड के लिए डिपेंड हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैरासिटिक फॉर्म हो गया आपके पास। ओके, सेप्रोफिटिक फॉर्म हो गया। फिर प्रोटेस्टेंट्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। फंजाए जो होती हैं वो मेजरली हीटरोट्रॉपिक होती हैं, वो अपना फूड अपना नरिशमेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेती हैं। प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, जबकि एनिमेलिया जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर टोटली डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। ओके, तो ये बात हो गई आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस टेबल से डेफिनेटली काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये टेबल आपको लर्न रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था दिस वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट कार्ल हूस। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? साइंटिस्ट कार्ल, एक सेकेंड, कार्ल हूस ने दिया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप था उसे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड कर दिया था। मतलब इन्होंने मोनेरन्स को, मोनेरा ग्रुप को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक को इन्होंने नाम दिया आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को नाम दिया यू बैक्टीरिया। ओके, तो ये हो गया। तो फिर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके पास छह सिस्टम्स आ गए थे, छह किंगडम्स आ गए थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाए, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो बस आपको इसके बारे में यही याद रखना है। एंड कौन सा डोमेन सिस्टम था? एंड द डोमेन सिस्टम वॉज थ्री डोमेन सिस्टम। द थ्री डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा इंटू टू डोमेन्स। मोनेरा को दो डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हैविंग दी
लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाय सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज फॉर्म्ड। तो ये बात हो गई, ओके। अब आपका ये वाला जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी बुक में, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। तो देखिए, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाय, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। पहले के टाइम में क्या किया गया था, जितने भी बैक्टीरिया थे, बीजीए थे, फंजाय थी, जितने भी प्लांट्स थे, उन सबको किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूडेड कर दिया गया था। द कैरेक्टर डेट यूनिफाइड दिस होल क्लास किंगडम वॉज ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैज अ सेल वॉल इन दियर सेल्स। और जो क्राइटेरिया यूज किया था इन सबको एक साथ रखने का, वो क्राइटेरिया था कि इन्होंने सेल वॉल का क्राइटेरिया लिया था। दिस प्लेस टूगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्स इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे क्या हुआ कि एक कैरेक्टरिस्टिक तो मैच हो गया, लेकिन जो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो निग्लेक्ट हो गए, ओके। एंड इट ब्रॉट टूगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोट। तो इस सिस्टम से क्या हुआ कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे और यूकैरियोट्स थे वो एक साथ एक किंगडम के अंदर आ गए थे, जो कि पॉसिबल नहीं था, ओके। तो ये बात हो गई इस पैराग्राफ में से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इट ऑल्सो इन ग्रुप टूगेदर द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टी सेल्यूलर वन सीज, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस टूगेदर अंडर एल्गी। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हीटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाय एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, ओके। एंड जो फंजाय की सेल वॉल थी वो आपने देखा काइटीन की बनी हुई होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ओके। तो ये बात हो गई। अब अगर हम नंबर वन किंगडम की बात करें, जो कि है किंगडम मोनेरा, तो सबसे पहले मोनेरा के अंदर किसकी बात करोगे आप? मोनेरा के अंदर आप बात करोगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरियाज आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ये स्टेटमेंट याद रखना इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, दे आर दी मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? मोस्ट अबंडेंट का मतलब है कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं नेचर के अंदर, एंड ऑलमोस्ट हर जगह बैक्टीरिया मिलते हैं। आप उन्हें नेक डाइस से नहीं देख सकते, लेकिन वो फिर भी प्रेजेंट हैं। द बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर भी हजारों बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, वेयर एवरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मैनी ऑफ दैम लिव इन और ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। काफी सारे बैक्टीरिया फ्री भी रह लेते हैं एंड काफी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स रहते हैं। बैक्टीरिया को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास चार मेजर शेप्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नंबर वन कोकाई, कोकाई की शेप मतलब स्फेरिकल। कैसी शेप है ये? स्फेरिकल। सेकंड अगर बात की जाए तो बैसिलाय, यानी कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। थर्ड अगर बात की जाए स्पाइरिला, स्पाइरिला मतलब आपके पास आ गए स्पाइरिलम शेप। एंड थर्ड आपके पास आ जाता है विब्रियो, दैट इज विब्रियम, ओके। तो ये बैक्टीरिया की शेप की बात हो गई। द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल सा दिखता है, लेकिन इसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे एक सिंगल सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। इसी वजह से इसका जो सिंपल है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है काफी, लेकिन बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है, ओके। अब अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास आते हैं आर्की बैक्टीरिया एंड देन आपके पास आ जाते हैं यू बैक्टीरिया। अब देखो आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया जो है, आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि पुराने। तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो आपके प्रिमिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड ये जो बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, ये आपके हार्श हैबिटाट में मिलते हैं। कैसे हैबिटाट में मिलते हैं? हार्श हैबिटाट में। तो सबसे पहला पॉइंट, ये आपके मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, याद रखना प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, हार्श
हैबिटेट के अंदर मिलते हैं. ओके, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज. आर्किबैक्टीरिया एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज जैसे कि हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स यानी थर्मो एसिडोफाइल्स और मार्शी एरियाज यानी कि मेथेनोजेंस में मिलते हैं. आर्किबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. अगर आपसे पूछ लिया जाता है बताइए बैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया में ऐसा क्या डिफरेंस है कि आर्किबैक्टीरिया जो है वो हार्श हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं जबकि नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं कर पाते. तो आर्किबैक्टीरिया के अंदर जो उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो कुछ डिफरेंशिएट होता है, उसके अंदर कुछ फीचर्स एड ऑन होते हैं जिसकी मदद से वो हार्श हैबिटेट को भी सर्वाइव कर जाते हैं. ओके, मेथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया जो कि मार्शी एरियाज में प्रेजेंट हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी है मीथेन प्रोड्यूस करने की, ऐसे बैक्टीरिया को आप बोलते हो मिथेनोजेंस. अब मिथेनोजेंस जो होते हैं, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ल्यूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ, बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन. मीथेन गैस यानी कि बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए मिथेनोजेंस जो हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. ओके, तो ये बात हो गई आर्किबैक्टीरिया की. अब अगर हम सेकेंड क्राइटेरिया पे चलते हैं, यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ? दीज आर दी ट्रू बैक्टीरिया. जहां भी आपको बायोलॉजी के अंदर यू वर्ड मिल जाए वहां मतलब समझ लेना कि इसका मतलब है यू, ट्रू. तो यू का मतलब होता है ट्रू. ओके, दीज आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टेरिया और ट्रू बैक्टेरिया. दे आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल. इनके स्ट्रक्चर में एक रिजिड सेल वॉल होती है और अगर मोटाइल है तो एक फ्लैजिलम यानी फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा. एंड यू बैक्टेरिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है साइनोबैक्टेरिया, जिसे आप कॉमनली बीजीए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हो. और बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो इनके पास एक पिगमेंट होता है जो कि हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए. दिस इज सिमिलर टू दी हायर प्लांट्स. साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, मराइन होते हैं या फिर टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं. एंड यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. ओके, ये एग्जाम्पल है आपके पास नॉस्टॉक का. अब देखो ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं या फिर आप बात करो, अगर पर्टिकुलर आप बात करते हो साइनोबैक्टीरिया की या बीजीए की, तो इनके स्ट्रक्चर में इनकी जो सराउंडिंग होती है दिस इज कवर्ड बाय अ जेलेटिनियस शीट. दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडी. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. तो ये जो यू बैक्टीरिया, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है हीटरोसिस्ट. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पर्पल कलर का, ये स्ट्रक्चर है आपका हीटरोसिस्ट. इस हीटरोसिस्ट का मतलब क्या है? इस हीटरोसिस्टम एक हीटरोसिस्ट का सिंपल सा काम है कि ये हीटरोसिस्ट आपका जो नेचर के अंदर एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये उसे फिक्स कर देता है. तो हीटरोसिस्ट फिक्सेस the atmospheric nitrogen. Okay, तो ये काफी ज्यादा important function है heterocyst का. Competitive exams के अंदर आपके पास ये सबसे पहले ये structure दिखाया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि बताइए ये structure किसका है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए structure है आपका cyanobacteria का, Nostoc का. अब second question आता है कि बताइए ऐसा कौन सा structure present होता है, ऐसा कौन सा system present होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के पास जिसकी मदद से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है. तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हीटरोसिस्ट. और नॉस्टॉक या फिर बीजीए की जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज अ जिलेटिनियस या फिर म्यूसिलेजिनियस शीट. ओके, नॉस्टॉक और एनाबीना बीजीए के कॉमन एग्जाम्पल है. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्रेंस एंड अमोनिया, यूज द रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन. ओके,
अब अगर बात की जाए बैक्टीरिया में भी, हीटरोबैक्टीरिया जो है, हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है, दीज आर दी मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया इन दी नेचर। एक बार ही आपके पास एक मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, जो कि आपको कर्ड बनाने में मदद करता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कि आपके एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करते हैं, वो भी हीटरोट्रॉपिक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, अब कुछ बैक्टीरिया जो है वो आपके कुछ डिजीजेस भी कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, एज आर दी वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अगर बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मेनली बैक्टीरिया जो है वो फिजन की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। कई बार क्या होता है, अंडर दी अनफेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती तो क्या होता है, बैक्टीरिया एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, उसके चारों तरफ एक कवरिंग फॉर्म कर लेता है, जिसे आप बोलते हो स्पोर्स। ओके, ये स्पोर्स उस हार्श कंडीशन को टॉलरेट करने में मदद करते हैं बैक्टीरिया की। एंड ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, अ डिवाइडिंग बैक्टीरिया है, ये किसकी मदद से हो रहा है, फिशन की मदद से। तो आपको इसकी मार्किंग्स याद रखनी है, ये जो आउटर लेयर है दिस इज सेल वॉल, फिर आउटर लेयर के बाद ये जो इनर लेयर आपको दिख रही है रेड वाली, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, ये आपका है डीएनए। ओके, अब माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक्स अ सेल वॉल। एक ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कम्प्लीटली लैक करता है सेल वॉल। दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, एंड दे कैन कम्प्लीटली सर्वाइव विदाउट दी ऑक्सीजन। एंड ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये काफी ज्यादा पैथोजेनिक होता है बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किंगडम मोनेरा की। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या देखा। तो सबसे पहले आपने देखा फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, फिर आपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, फर्दर आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ देखा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर एच विटेकर ने दिया था इन द ईयर 1969। मेन क्राइटेरिया देखे आपने सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ओके, फिर उसके बाद आपने किंगडम मोनेरा को स्टार्ट किया। किंगडम मोनेरा के अंदर आपने बैक्टीरिया ग्रुप जो है बेसिकली उसे कंप्लीट कर लिया है। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।